गुड मॉर्निंग, कैसे आहार तुम्हें? अभी मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे लिप्स करने के लिए फिर से। अभी खाना इसलिए खा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर फिर उधर जाके बोलते हैं कि आप पहले कुछ खा के आना, बिकॉज ये प्रोसीजर ऐसे थोड़ा नम करेंगे एंड बाद वाली प्रोसीजर। सो चिन्ना भी वहां पे खाना खा रहा है और मैं भी यहाँ पे खाना खा के निकलते हैं क्योंकि मेरे 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। अभी 12 बजे जाने के लिए 40 मिनट्स लगेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, जैसे मैं खाना हो गया हमारा और 2 बजे वहां पे पहुंचना है, 1 बजा है अभी। तो जैसे ये मैंने किया था, आपने वो व्लॉग देखा ही है, बट फिर भी मैं फिर से बताती हूँ कि जब मैंने अभी पहले बार नहीं पता होता तो एक्सपीरियंस नहीं था और डर भी लग रहा था कि ज्यादा हुए फिर कैसे लगेगा। बट यस, जो हम लोग रशियन लिफ्ट कर रहे हैं और इस पे मैंने लास्ट टाइम बुक लिया, हम लोगों ने 0.3 किया था। तो 0.3 करने के बाद जब 0.5 किया था, फिर कम हुआ था ना? नहीं, पूरा 0.5 नहीं किया था, हमने 0.3 या 4 किया था फिर, जो भी है। हाँ, तो फिर वो जब किया तो हमें इतनी स्वेलिंग थी, तो हमें लगा कि नहीं बस है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज्यादा ये नहीं करना चाहते। बट मैंने खुद एक एक्सपीरियंस किया है कि ये वाला जो सेक्शन है वो ऐसे, ये इस वाले में प्लास्टिक सर्जरी जैसा वाला नहीं लगता, ये एकदम नॉर्मल लगता है जैसे 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 वो कम होता है। और ये तो हम निकाल भी सकते हैं अगर ये मेरा अच्छा ना हो, ऐसा भी है। तो इसमें फिलर वैसे भी 7-8 महीने के बाद निकल जाता है। तो हमेशा 7-8 महीने के बाद फिर से करवाना होता है। कई लोग नाक में करवाते हैं, लिप्स में करवाते हैं, आंख में करवाते हैं। सो फिर भी ये रशियन लिफ्ट है तो ये बहुत कम करना है, फिर थोड़ी देर में और कम हो जाता है। सो शुड बी लुकिंग गुड। यस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी सब वहाँ के शॉर्ट्स लेंगे एंड जब करने के बाद मैं पूरा बताऊंगी कि इस टाइम थोड़ा मैं ऐसे करूंगी। तो हाँ, मुझे पता है आप बोलोगे अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, बट खुजली, इट्स कॉल्ड खुजली और कुछ नहीं। फिर से आ गए हैं तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन यहाँ पे वो क्या, हाँ वो जो डॉक्टर थे वो नहीं आए, तो उन्होंने बोला कल आ जाना, पर कल मैं नहीं आई। बट आज हम लोग फिर से आए, आई थिंक डे आफ्टर टुमारो। और नीता बहुत डरी हुई है क्योंकि लिप जॉब के लिए इसको बहुत डर लग रहा है एंड ये इसके डर के साथ मैं भी डरने लगा हूँ, तो मैं भी नर्वस हो गया हूँ। बट कोई बात नहीं, अच्छा होगा, होप फॉर द बेस्ट। यस, तो अभी आ गए, फिर से मैं दिखाती हूँ वही चीज। अब बोलोगे फिर करती क्यों हो? अभी मेरे लिप्स नम करेंगे एंड सब रिकॉर्ड करके मैं सब बाद में ही बातें करूंगी। लेट्स गो, द स्ट्रेस इज टेकिंग इट। मस्त लग रहे, दे लुक रियली नाइस। I've got to say you're doing an amazing job though, because you know what it is, many people have lip jobs done but they don't look that natural and it looks really nice. Thank you, thank you. Thanks for the nice shot again. Definitely yeah. And I think too much, any more is too much for her, you know. No, I think they're absolutely perfect. As long as they don't go down too much now. I hope so. But what happens sometimes? Yes. अभी मुझे बोलने के लिए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज इस टाइम थोड़ा स्वेलिंग ज्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम से थोड़ा ज्यादा मैंने इस टाइम किया है। बट जब अभी मुझे कोई ऐसे वियर्ड नहीं लग रहा है, हाँ थोड़ा जैसे ऐसे आपको लगेगा बिकॉज मैंने लास्ट टाइम से तो कम ही, सॉरी ज्यादा किया, क्योंकि लास्ट टाइम से क्या था बुगली,
लास्ट टाइम स्वेलिंग हुई थी बट क्या हुआ था, मुझे और चाहिए था, इसको और चाहिए था yeah. इसको पहले अच्छा लग रहा था, बाद में जब कम हो गए इसने बोला ज्यादा कम हो गए. सो इसने अभी आज ऐसे बोला कि मुझे वैसे चाहिए कि जब कम भी हो जाए तो भी अच्छे लगे वैसे. सो टुडे वी पुट इन 0.7 और अभी मेरा सिर प्रॉपर हैवी हुआ है क्योंकि मैं बोल इस टाइम पेन सच में ज्यादा है. करते टाइम नहीं लगा बट आफ्टर लास्ट टाइम मुझे करते टाइम थोड़ा दर्द हुआ था, बाद में नहीं हुआ था बट इस टाइम करते टाइम नहीं हुआ बट आफ्टर बहुत हो रहा है. तो मुझे लग रहा है मैं पहले घर जाती हूँ, ठीक से बैठती हूँ एंड देन मैं बातें करती हूँ. तो कल हम लोग लिप्स करके आए तो मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ. अभी तो मैं जस्ट रेडी हुई थी तो ये हुआ है. लोगों की बहुत स्वेलिंग हो जाती है पर मेरी स्वेलिंग नहीं होती. वो डॉक्टर भी परेशान हो जाती है कि आपकी स्वेलिंग क्यों नहीं होती. वो बोलते कल आपका मुंह इतना बड़ा होगा कि आप देख नहीं सकते. तो जैसे कि ये ब्लॉग थोड़ा छोटा बना था, मुझे जस्ट वो प्रोसीजर आपको दिखानी थी. तो मैं अभी क्या करूंगी, अभी तो मैं एक वीडियो के लिए रेडी हुई थी. सो यस, अभी मैं मेरा ये वाला सेक्शन निकाल के, जैसे कि लिपस्टिक नहीं है ये सिर्फ ग्लॉस है, ग्लॉस लाइक वैसलिन है जो वो लगाने बोलते हैं. तो मैं ये कैसे क्लीन करते हैं, इसको कैसे इसको केयर करते हैं वो दिखाऊंगी. उसके बाद फिर हम लोग एंड कर देंगे और मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स भी बताऊंगी कितने पैसे लगे क्या क्या क्या. तो यस गाइज, मैं आ गई वापस. तो जैसे मैंने बोला था, मैं फर्स्ट बताना चाहती हूँ, मैंने फर्स्ट ब्लॉग में शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी. तो ये मैंने किए हैं रशियन लिप और ये वाले लिप्स फिर भी नेचुरल दिखते हैं और जो दूसरे वाले होते हैं वो जो एकदम एस्थेटिक, वो ऐसे डक वाले होते हैं जो आप कहीं से भी दूर से किसी लड़की को भी देखो ना, आपको लगेगा कोई ऐसे मुंह की वाट लगा दी है ऐसे वाले. और ये फिर भी थोड़ी स्वेलिंग है इसमें तो ये थोड़े कम हो जाएंगे. तो मैंने लास्ट टाइम किया था 0.4 पूरा मिला के, क्योंकि मेरा ये वाला लिप्स तो नेचुरल ही बड़ा है, ऊपर वाला थोड़ा छोटा था, नेचुरल में बिग ही थे वैसे. मैंने इस टाइम यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो स्वेलिंग जाने के बाद कम हो गए वो नहीं चाहिए था, इतना दर्द है कि फिर भी कम हो रहे फिर फायदा क्या और इतने पैसे भी दे रहे. तो मैंने इस टाइम यहाँ पे 0.5 है मेरा फिलर और यहाँ पे सिर्फ वो टेक्सचर के लिए उसने 0.2 डाला क्योंकि ये और ये अलग ना लगे. हाँ, इसके लिए इस टाइम डिस्काउंट था इसलिए £160 हुआ, लाइक इंडिया के 16,000 में भी है. और लास्ट टाइम मेरे हो गए थे 20,000. सो इस टाइम मुझे सस्ता मिला पर जब मेरे अकाउंट में पैसे कट हुए तो मुझे 13,000 या 14,000 ही कुछ दिखा था, तो आई डोंट नो. उसके बाद अभी मैं दिखाऊंगी कि ये डॉक्टर, एक मिनट कैमरा सेट करने दो. ओके, थोड़ा हार्श लग रही हूँ मैं, इट्स ओके. सो यस, डॉक्टर ने दिए है ये वेट टिश्यू, मेरे अभी जस्ट निकला था वेट टिश्यू कोई भी. और ये आइस पैक है तो, और ये देते हैं अर्निका क्रीम, इसकी पैकिंग लास्ट टाइम अलग थी. सो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरा ब्यूटी स्पॉट. ये नकली है पर शायद मैं यहाँ पे टैटू करवाने वाली हूँ. अब बोलोगे क्या क्या करती है. सो सी, अभी इसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, ये जेली वाला आइस पैक है. यू नो पेशेंस मैन, ये स्वेलिंग के लिए, ये ब्रूज कम होने के लिए है. आई थिंक अब भी ठीक है, मैं खाना खाने के बाद फिर से करूंगी. एंड दिस पिंक वैसलिन ये ज्यादा टेक्सचर देता और ज्यादा मस्त दिखते है इससे, बट अभी तो ये घर पे रहने के लिए समय है. इसको मॉइस्चराइज रखना है ताकि, और मैं घर पे ये वाला अच्छा वाला वैसे नहीं करना चाहती. सो मैं ये ज्यादा लगाती हूँ क्योंकि पिंक, आई लव पिंक, मैंने बहुत लिए है. 20-25 तो होंगे मेरे पास क्योंकि मुझे इंडिया से भी बहुत लोगों ने बोला, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी सिस्टर ने. ओके, तो
अभी मैंने इसको ये क्रीम लगाई है, मॉइस्चराइज रखा है, अभी खाने के एक दो घंटे बाद वापस मैं आइस पैक अभी फ्रिज में रखूंगी। तो यस, आपको पता चला होगा कि क्या होता है प्रोसीजर। इंजेक्शन बहुत लगाते हैं पर तब नम होता है तो इतना पेन नहीं होता, बट हाँ फील होता है जैसे जैसे नम कम होता है। तो लास्ट टाइम मुझे लोगों ने बोला था, एक दो जन ने बोला था कि क्यों इतने पैसे खर्चे करना और ये करना, जैसे मैंने बोला था कि एक ही जिंदगी है, मैं शौक पूरे करना चाहती हूँ और यस मैं खुद के दम से करती हूँ जो भी है आज तक। थैंक यू, और थैंक यू आप सबको फिर से एक बार, क्योंकि मेरा वीजा भी आ गया, सो आई एम सो हैप्पी। तो यस, ये व्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आई थिंक व्लॉग छोटा होगा पर ऐसे ही हमें मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और जल्दी इंडिया आ रहे हैं तो वहां पे बहुत अलग अलग कॉन्टेक्ट होगा सबको मिलने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। यस, तो चलो बाय।